वेलकम टू आर्टिस्ट। तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल रेजिन की वॉल क्लॉक, ठीक है? तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा ये। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे अनबॉक्सिंग, ठीक है? तो ये मैंने रेजिन बाजार से कुछ क्राफ्ट सप्लाईज मंगा लिए थे। तो अगर आपको भी कुछ भी ऑर्डर करना है तो इनका इंस्टा पे पेज भी है, आप इनसे डायरेक्ट डीएम करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो इनकी वेबसाइट भी है, आप यहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे है वेइंग स्केल, ठीक है, वेइंग मशीन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिन 2:1 रेशियो वाला। यहां पे है वॉल क्लॉक का सारा कुछ एम्बेडेड, उसके वॉल क्लॉक के हैंड्स और नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वॉल क्लॉक की मशीन होती है, कुछ रेजिन पिगमेंट है, गोल्डन ब्लू ब्लैक ब्राउन, ठीक है। तो बहुत प्यारा सारा कुछ है यहाँ पे। कुछ और MDF मैंने मंगाए थे फ्रिज मैग्नेट्स के लिए, बहुत प्यारे प्यारे कटआउट्स हैं, चिपबोर्ड्स हैं, आप देख सकते हो। तो साथ ही साथ यहाँ पे कीरिंग के लिए भी कुछ मैंने ऑर्डर किया था, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में इस तरह के MDF पे कीरिंग कुछ करके दिखाऊँ आप लोगों को। आप लोग बताना कमेंट में किस टाइप की आपको चाहिए। कुछ इस तरह के एनिमल वाले भी मेरे पास MDF है, साथ ही साथ डिस्पोजेबल कप्स, ग्लव्स और कुछ क्रश ग्लास और आइसक्रीम स्टिक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको MDF लेना होता है, और यहाँ पे नंबर है मेरे पास, रोमन नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेस कोट देना होता है, तो आप जेसो या फिर वाइट पेंट किसी भी चीज़ का यूज़ कर लो एक बेस कोट देने के लिए। बेसिकली वाइट पेंट से पेंट कर दिया, ऐसा बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि जो रेजिन है वो एब्जॉर्ब ना करे वुड। तो अब चलिए यहाँ पे अपना वेइंग स्केल निकालते हैं, वेइंग मशीन निकालते हैं। इसमें दो सेल भी साथ में आती हैं, तो बैक साइड से इसकी बैटरी को लगा देना है और ये ऑन हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है। अब चलिए आपको यहाँ पे जो रेजिन है मेरा 1.5 kg वाला है, मतलब 1 kg मेरा रेजिन है और 500 ml का मेरा हार्डनर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेना होता है, पार्ट ए पार्ट बी में होता है। तो सबसे पहले हम अगर रेजिन ले रहे हैं 40, यहाँ पे मैं ले रही हूँ रेजिन, ठीक है। तो आपको लेना पड़ेगा 20, ठीक है। तो टोटल मैं यहाँ पे 60 बना रही हूँ, 40 और 20। 40 मैंने रेजिन लिया, 20 हार्डनर लिया। अब यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से धीरे धीरे करके इसको मिक्स करेंगे। और चलिए अब यहाँ पे ना साइड के एजेस पे मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ, ताकि जो भी रेजिन हम लोग इस पर पॉर करें तो वो नीचे बह के गिरे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे कप्स में मैंने थोड़े थोड़े रेजिन को बांट लिया है। अब यहाँ पे मैं गोल्डन ब्लैक और ब्राउन व्हाइट, ये चार कलर यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके पिगमेंट आप ऐड कर दो, अपने कलर कॉम्बिनेशन इज टोटली अप टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी चाहिए, मुझे यहाँ पे ब्राउन ब्लैक गोल्डन और व्हाइट चाहिए था, इसलिए मैंने ये चार कलर लिया है। अब चलिए व्हाइट को भी अच्छे से मिला रहे हैं। यहाँ पे मेरा व्हाइट जो है वो मेटालिक है, माइका पाउडर है। तो सबसे पहले व्हाइट को पॉर करेंगे नीचे की साइड पे और अच्छे से इसको स्टिक की हेल्प से सारे सरफेस पे फैला देंगे, ठीक है। फिर ब्राउन का यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा एक ना मुझे कुछ मार्बल इफेक्ट टाइप का देना था, तो इसलिए आप साइड में ऑलवेज इस तरह का, अगर आप MDF यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा साइड के एजेस पे ना मास्किंग टेप लगाइए, क्योंकि इससे ऐसा होगा ना कि आपकी रेजिन वेस्ट नहीं होगी, आप इजीली इसमें मतलब जो टेक्सचर और पैटर्न होता है वो क्रिएट कर पाओगे। ऐसे आप ब्लो टॉर्च जब करोगे ना, अगर आप इसको मास्किंग टेप से कवर नहीं करते हो, ब्लो टॉर्च करोगे तो रेजिन पूरी मेल्ट होकर नीचे के साइड पर गिरेगी। और ऑलवेज आप इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप रेजिन का काम करो, ग्लव्स हमेशा पहनो और वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मास्क भी लगा के रखिए, ठीक है। और किसी खुली जगह पे ही करने की कोशिश करिए, क्योंकि पहले मैं भी इतना बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं करती थी कि ऐसा कुछ होता होगा, लेकिन आपको बहुत अजीब सा एक लगेगा क्योंकि हम केमिकल के साथ खेल रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप रूम में कर रहे हो तो आपकी विंडो और जो डोर है वो ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस तरह से मैंने रेजिन पॉर कर दिया है, तो अब इसको अच्छे से ब्लो टॉर्च कर लेंगे। ब्लो टॉर्च बेसिकली करते इसलिए हैं ताकि जितने भी बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए और बहुत अच्छा सा एक पैटर्न भी बनता है। अगर आपके पास ब्लो टॉर्च नहीं है तो आप पैटर्न के लिए स्ट्रॉ का यूज़ कर सकते हो। और अगर बबल की रही बात, तो मुझे रिसेंटली किसी ने इंस्टा में भी पूछा था कि वो जब भी रेजिन को मिक्स करती हैं, मैं आपको साइड में लगा रही हूँ उनका मैसेज, तो वो बोल रही थी कि उनका बहुत सारा बबल आ जाता है उसमें। तो इस बात के लिए आप क्या कर सकते हो, जब भी रेजिन मिक्स करो बहुत स्लो धीरे धीरे मिक्स करो, ठीक है। धीरे धीरे मिक्स करने के बाद आप तुरंत से रेजिन को मत यूज़ करो, थोड़ी देर उसको साइड पे रख दो, 2-3 मिनट थोड़ा सेटल होने दो, उसके बाद आप यूज़ करो। उसके बाद भी अगर बबल्स आ रहे हैं तो आप उसको टूथपिक की हेल्प से रिमूव कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा आप स्पेंड कर दो, मतलब ब्लो टॉर्च आप ले लो, उससे आपका ना क्लियर बहुत अच्छा सा वर्क आता है, ठीक है। तो अब इसी तरह से कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा ये एक दिन के लिए मैंने ड्राई कर दिया इसको, और फिर अब सेकेंड लेयर कर रहे हैं। यहाँ पे जो फाइनल लेयर है हमारी, वो ट्रांसपेरेंट रेजिन
बाकी मैंने कर दिया। अब चलिए नंबर सेट करते हैं। तो रेजिन करने के बाद अच्छे से ब्लो टॉर्च कर दिया ताकि बबल रिमूव हो जाए। इस तरह से कुछ मैंने नंबर बीच में करके सेट कर दिया, जितने भी एक्स्ट्रा बबल्स है उसको निकाल दिया। और आप ध्यान दे के करिएगा, इसके नंबर के ऊपर नहीं लगना चाहिए ब्लो टॉर्च। अब यहाँ पे क्रिस्टल जो क्रश ग्लास है ना मेरे पास, उसको रेजिन में ही मिक्स करेंगे। रेजिन में मिक्स करने से होगा क्या कि फिर निकलेंगे नहीं, आपस में चिपक जाएंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मेटालिक जो मेरे पास वाइट कलर का माइका पाउडर था उसका यूज़ किया है। और इस तरह से कुछ ग्लास को जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा कि मुझे वाइट और गोल्डन थोड़ा सा रखना चाहिए, तो इससे मैंने इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहो तो आप ब्राउन भी कर सकते हो, ब्लैक भी कर सकते हो, आपको जैसा मन करे आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको फाइनल लुक देने के लिए साइड में इस तरह का क्रश ग्लास का यूज़ कर लिया है। बहुत प्यारा लुक आता है बाद में ये जब, और रेजिन हमेशा रेजिन में इसको मिक्स करके करिएगा, इससे बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये कम्प्लीटली एक दिन के बाद ड्राई हो गया था, मतलब दो दिन में ये पूरा मेरा कम्प्लीट हो गया था। अब चलिए मास्किंग टेप को निकालते हैं, बहुत ईजिली निकल जाएगा। और ब्लो टॉर्च जब आप करो ना तो आप ध्यान दीजिएगा कि मास्किंग टेप पे ना आए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके एजेस को फाइनल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ यही वाला माइका पाउडर, और इसको मीडियम के साथ मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और साइड के एजेस को गोल्डन कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा एजेस को किया है, बीच में मैंने वाइट छोड़ा है। मैंने ऐसा सोचा कि बीच में मैं वाइट रहने देती हूँ स्टोन्स को, और किनारे किनारे के साइड पर भी मैंने यही गोल्डन से हाईलाइट कर दिया। इंस्टाग्राम अकाउंट भी आर्ट इटर्स के नाम से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हैंडल दे दिया है, तो आप जाके ज़रूर से चेक करो, मुझे वहाँ भी फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं सारे लोगों का कोशिश करती हूँ जो भी मुझसे मतलब कमेंट कर रहा है या फिर डीएम कर रहा है, तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, सारे को रिप्लाई भी देती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम मशीन लेते हैं, तो मशीन में एक यहाँ पे ऊपर की साइड पे नट होता है, नीचे में इस तरह का रबर का होता है, उसको आपको रहने देना है, नट को निकाल लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको ये हैंगिंग के लिए भी आपको मिल जाता है, कुछ भी आपको नेल वगैरह कुछ भी आपको पीछे हुक वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। इससे से आप इसमें डालो, बीच में होल होता है, और इस तरह से इसको टाइट कर लो अच्छे से। टाइट करने के बाद नल्स है ना उसको लगाएंगे, बैक साइड पे अच्छे से सेल लगा के इसको बंद कर दो। और इस तरह की बहुत प्यारी सी क्लॉक है, सिंपल सी डिसेंट सी गोल्डन, जो कि मैंने रेजिन बाजार से ही लिया है। तो इस तरह से सबसे पहले आपका आर वाला सेट होता है, उसके बाद मिनट वाला होता है, और लास्ट में आपका सेकेंड वाला होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट कर दो अच्छे से, क्लॉक बन के हमारी रेडी हो गई है। तो इस तरह से चल रही है, बहुत प्यारी बनी है। ऊपर की जो प्लास्टिक होती है इसमें नंबर्स में, उसको रिमूव कर देंगे, एक्रेलिक स्टिकर्स जो होते हैं ना इस तरह के एक्रेलिक कट आउट, उसमें इस तरह की प्लास्टिक होती है, उसको बाद में रिमूव करो। और चलिए देख लेते हैं अब इसका फाइनल लुक। लग रही है ना कितनी प्यारी, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताना। अच्छा, आपको पता है मुझे मतलब जिस टाइप की ये चाहिए थी ना, जिस टाइप का मार्बल इफेक्ट चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसे ही आया। सर रेजिन में अच्छा होता क्या है ना कि आप जिस तरह का सोचोगे ना, वो खुद से ही बह के खुद से एक पैटर्न क्रिएट करी होती है रेजिन। मतलब आप जैसा सोचोगे एकदम वैसे एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन मतलब मुझे ये लग रहा था कि ये करना बहुत टफ है, लेकिन मैंने जैसा सोचा था वैसे ही बह के बन गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद से मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने कोई भी वर्कशॉप नहीं किया रेजिन का, मैंने खुद से ही सीखा है। तो आप भी एकदम ईजिली इसको कर सकते हो। पहले मुझे लगता था कि शायद बहुत टफ होता है रेजिन आर्ट, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये होती थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, आपको वैसे वैसे मज़ा आते जाएगा, चीज़ें समझ में आती जाएगी। आपको जितना भी मैं समझा दूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करोगे ना, तो ही आपको समझ में होगा आएगा कि अच्छे से कि अच्छा ठीक है इसको कैसे करना है, क्या करना है। तो वो जो बबल वाला भी सारा फंडा है, वो आपको फिर धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। फिर हमेशा अपने साथ एक छोटा मोल्ड रखो साइड में, क्योंकि रेजिन हमेशा थोड़ी बहुत बची जाती है, तो उसको ना कोई मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी मोल्ड में आप पोर करके बना लो, तो कुछ चीज़ें में ऐसे बहुत सारी बन जाती है, हमेशा थोड़ी बहुत रेजिन बच जाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी वो लाइक शेयर फॉलो कमेंट सब्सक्राइब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलो, आपको जैसा ठीक लगे करके जाएगा।